हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैदी बायो क्लासेस। मैं डॉक्टर जैदी आज अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको एमनियोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा। एमनियोसिंथेसिस क्लास 12th का टॉपिक है और नीट स्कॉलर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं एमनियोसिंथेसिस। डियर स्कॉलर्स, क्लास 12 और नीट क्लास के स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में एमनियोसिंथेसिस को डिस्कस करूंगा। एमनियोसिंथेसिस मीन्स प्रीनेटल सेल्फ डिटर्मिनेशन। प्रीनेटल सेल्फ डिटर्मिनेशन चाइल्ड के बर्थ से पहले उसके मेल और फीमेल होने का पता लगाना प्रीनेटल सेल्फ डिटर्मिनेशन कहलाता है। सेल्फ डिटर्मिन बिफोर द बर्थ, चाइल्ड अभी पैदा नहीं हुआ है और इस टेक्निक के द्वारा हमने पता लगा लिया कि फीटस, देखिए जब तक चाइल्ड पैदा नहीं होता है ना, गेस्टेशन पीरियड में होता है तो उसको हम फीटस बोलते हैं। या आपको पता होगा कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, शुरू के 3 मंथ में उसको एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो के बाद उसे फीटस कहते हैं। तो फीटस स्टेज में हम पता लगा लेते हैं कि ये फीटस या एम्ब्रियो मेल होगा या फीमेल होगा, उसे हम कहते हैं प्रीनेटल सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस टेक्निक के द्वारा जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस या सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम का भी पता लगाया जा सकता है। एमनियोसिंथेसिस मेरा आज का टॉपिक है। एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस मीन्स प्रीनेटल सेल्फ डिटर्मिनेशन। प्रीनेटल सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर फीटस एमनियन के अंदर बंद रहता है। एमनियन और फीटस के बीच में एमनियोटिक फ्लूड भरा रहता है जिसमें फीटस स्विम करता है या मूव करता रहता है। फीटस की कुछ सेल्स जो डेड हो जाती हैं वो शटअप भी होती रहती है एमनियोटिक फ्लूड में। फीटस की सेल्स को लैप्रोस्कोपी की हेल्प से बाहर निकाल लेते हैं और फिर फीटस की सेल्स में हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें बाल बॉडी है या नहीं। अगर बाल बॉडी है तब वो फीमेल चाइल्ड होगा और बाल बॉडी नहीं है तब वो मेल होगा। बाल बॉडी फीमेल में होती है, फीमेल की हर सेल्स के अंदर बाल बॉडी होती है। बाल बॉडी सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स का मॉडिफिकेशन है। देखिए ये मैंने यूट्रस ड्रा कर रहा हूं, ये यूट्रस है, यूट्रस की इनर वॉल को एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम हुई है। यूट्रस
की वॉल एंडोमेट्रियम, ठीक है, यूट्रस की से जुड़ी हुई फैलोपियन ट्यूब है, ठीक, यूट्रस के अंदर ये मैंने एमनियॉन बनाई, एमनियॉन और एम्ब्रियो या ये फीटस, ठीक है, ये एम्ब्रियो, एम्ब्लिकल कॉर्ड, एम्ब्लिकल कॉर्ड हो गई और ये हो गया प्लेसेंटा, ठीक है, ठीक है, एमनियॉन फीटस के बीच में एमनियोटिक फ्लूड है, एमनियोटिक फ्लूड, एमनियॉन और इसका नाम हो गया फीटस, एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, और एम्बिलिकल कॉर्ड यूट्रस की एंडोमेट्रियम, देखिए समझ लिया, यूट्रस एमनियॉन सेंटेसिस। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्या है? एमनियॉन सेंटेसिस, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एमनियॉन सेंटेसिस, प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन, प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन, यूट्रस में के अंदर ही एमनियॉन है, एमनियॉन के अंदर फीटस है, फीटस एमनियॉन के बीच में एमनियोटिक फ्लूड है, एमनियोटिक फ्लूड में फीटस मूव भी करता रहता है, मूव थोड़ा बहुत घूमता है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि फीटस फिफ्थ मंथ से मूव करना शुरू करता है, ठीक है, फीटस प्लेसेंटा के द्वारा यूट्रस से जुड़ा हुआ है, लैप्रोस्कोपी की हेल्प से हम फीटस सेल्स को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, देखिए हमने फीटस की सेल्स बाहर निकाल ली, मेथड कौन सा था? लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी से हमने फीटस सेल्स बाहर निकाल लिए, फीटस सेल्स का ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में अगर यहां पे बाल बॉडी दिखाई दे रही है तब ये फीमेल फीटस होगा, और अगर बाल बॉडी नहीं है तब ये मेल होगा, ठीक है, तो इसमें क्या है, बाल बॉडी है, अगर बाल बॉडी प्रेजेंट है तब ये फीमेल फीटस होगा, अगर फीटस सेल्स में बाल बॉडी है तो जो चाइल्ड बर्थ करेगा वो कैसा होगा? फीमेल होगा, और अगर बाल बॉडी नहीं है तब ये मेल मतलब सन होगा, मेल चाइल्ड होगा, ठीक है, एमनियॉन सेंटेसिस कराता है, प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन, लैप्रोस्कोपी की हेल्प से हमने फीटस की सेल्स को बाहर निकाला, फीटस सेल्स में बाल बॉडी अगर है तब वो फीमेल है, और अगर बाल बॉडी नहीं है तब वो मेल एम्ब्रियो होगा, ठीक है, फीटस सेल्स से फीटस सेल्स में हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं,
जब से क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे, क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम स्टडी करने पर जेनेटिक डिसऑर्डर का भी हम पता लगा सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें सिकल सेल एनीमिया है या नहीं, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया इसको है या नहीं, थैलेसेमिया है या नहीं, है ना, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है या नहीं, हीमोफिलिया है या नहीं, कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, या कोई सिंड्रोम तो नहीं है इसको, है ना। सिंड्रोम आप जानते हैं, जैसे ऑटोसोमल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है, और ऑटोसोमल सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, क्रेडुकेट सिंड्रोम है, ठीक है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर कह सकते हैं, सेक्स लिंक है ना, कैरेक्टर्स का पता लगा सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक है फीमेल फिटिसाइड है ना। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि एम्ब्रियो फीमेल है, गर्ल पैदा होगी तो इसको अबॉर्ट करा देते हैं, ये इसका है ड्रॉबैक। ओके डियर स्कॉलर्स, ये टॉपिक मेरा यहां पे कंप्लीट होता है। मैं बहुत शॉर्ट में एक बार और रिवाइज करा देता हूं, एम्नियॉन सिंथेसिस प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन। एम्ब्रियो या फीटस का बर्थ से पहले उसके सेक्स का पता लगा लेना कि ये मेल है या फीमेल, है ना, एम्नियॉन सिंथेसिस कहलाता है। फीटस की या एम्ब्रियो की हमने लेप्रोस्कोपी की हेल्प से उसकी सेल्स हमने बाहर निकाली, उस सेल्स में हम देखते हैं कि अगर बार बॉडी है तब वो फीमेल होगा और अगर बार बॉडी नहीं है तब वो मेल होगा। बार बॉडी किसका मॉडिफिकेशन है, सेक्स क्रोमोसोम्स का, ठीक है। तो फीमेल में चूंकि दो एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स बार बॉडी में बदल जाता है, ठीक है। फीटस की जो सेल्स हैं उसमें अगर हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर पता लग जाता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर, फेनिलकेटोनुरिया, एल्केप्टोनुरिया बहुत सी हैं, उनका पता लगा लेते हैं हम। सिंड्रोम का पता लगा लेते हैं, ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं और सेक्स लिंक कैरेक्टर का भी पता लगा सकते हैं। थैंक यू, ये मेरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। डियर स्कॉलर्स, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। मेरी वीडियो को सर्च करने के लिए आप ज्यादा सर लगाएंगे टॉपिक से पहले तो इजीली सर्च कर लेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।